सांगा जिसमें आज भी रथ की स्मृतियां शेष हैं, वे रथ जो एक समय वीरता का प्रतीक माने जाते थे पर समय के साथ ये लुप्त हो गए। पर अब जो इनकी याद को ताजा रखे हुए थे, जिसे हम तांगा कहते हैं, अब ये भी इतिहास के पन्नों में समाने के कगार पर पहुंच चुकी है। एक जमाने में तांगा सड़कों की रौनक बढ़ाता था, पर आज सड़कों पर उसके लिए जगह ही नहीं है। लोग इससे कतराने लगे हैं, एक पुरानी सी सुस्त चीज मानकर लोग इसे भूलने लगे हैं। अगर किसी के बगल से कोई तांगा निकल जाए तो उसे बड़ी नीची निगाह से देखा जाता है। सोचने वाली बात है, अब शहर वाले क्यों इसे सरदर्द मानने लगे हैं? आखिर इसका क्या कसूर है? क्या ये कि अब दौड़ती गाड़ियों को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी रफ्तार उन्हें ज्यादा भा रही है, इस वजह से उन्हें तांगा की जरूरत नहीं? घोड़े की टाप अब गाड़ी के धुएं से ज्यादा बुरी हो गई है। तो आपको टांगे में बैठने में कैसा लगता है, या आप प्रीफर क्या करेंगे, टांगा या ऑटो? देखिए, मैं तो टांगे पे कभी नहीं बैठना चाहूँगा, क्योंकि टांगा थोड़ा काफ़ी ओल्ड चीज़ है और आजकल हम लोग टांगे बैठना चाहते ही नहीं। हाँ, ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इस समय सावन चल रहा है तो थोड़ा टांगे बैठ के यहाँ का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन हमें ऑटो ज़्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि ऑटो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा ईजियर मिलती है, हर जगह चली जाती है, और टांगा आजकल उतना मिलता भी नहीं, उतना दिखता भी नहीं है, और धीरे धीरे टांगा आउट ऑफ फैशन हो गया है। इतने तिरस्कार को झेलते झेलते अब लोगों का भार खींचने वाले ये घोड़े थक चुके हैं। इनके मालिकों की मुफलिसी ने इन्हें तोड़ दिया है। भूखे घोड़े अब तांगों के चक्के खींचने में असमर्थ हो चुके हैं। वर्तमान समय का तांगा तेज दौड़ती गाड़ियों से मात खा चुका है। उतना नहीं है, बाजार के हिसाब से होता है, जैसे अभी सावन का महीना है, कमा लेते हैं, फिर खरमास में बहुत कम कमाई होता है, कभी कमाई हुआ कभी नहीं हुआ। ऑटो नहीं है तो परेशानी तो ये है, ऑटो कम रहता तो भी कमाई रहता ठीक। भले ही फिल्मों में बसंती की धन्नो ने, मर्द तांगे वाले ने और दिलीप कुमार ने अपने तांगे के जोर पर न जाने कितनी गाड़ियों को पछाड़ दिया हो, पर वास्तविकता इससे अलग है। ए ना डर बे, ना डर बे, ना डर बे राम, ना डर बे राम। ए ना डर बे, ना डर बे, ना डर बे राम, ना डर बे राम। जान लेके, ओ जान लेके, जान लेके हथेली पे चल बे जमाने से, ना डर बे राम। कैसे यकीन कर लूं कि फिर आइएगा आप, और आप ही गए तो कहां पाइएगा आप हमें? नज़ीर बनारसी की ये लाइनें इन टांगे वालों पर बिल्कुल मौजू बैठती हैं। अगर वक्त रहते टांगों की इन खस्ता हालत को न सुधारा गया तो शायद ये लाइनें हकीकत में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि आने वाला समय यही बता रहा है कि टांगा अब अपने समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। वंदना सिंह, R7 न्यूज़, वाराणसी। गौर करने वाली बात यह है कि जिस प्रदूषण से आज पूरा विश्व जूझ रहा है और जिसकी वजह ये गाड़ियां ही हैं, इसे जानने के बावजूद लोग इसके रफ्तार के पीछे भाग रहे हैं, जबकि तांगा इस प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त है। इस तांगे के साथ न जाने कितने दौर जुड़े थे, न जाने कितनी कहानियां जुड़ी थी, और अब ये तांगा भी इन्हीं कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R7 न्यूज।